मौसम देखो। रसों में बस जाए, वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए, झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रणाम नमस्ते जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस नाश्ता करना बाकी रह गया है। नेगी जी अभी अभी गए हैं ऑफिस और रेसी भी गया है स्कूल। आजकल उनका स्कूल चालू है, हाफ डे लग रहा है। तो फ्रेंड्स आजकल ना सबकी तुलसी और सूखी गई होगी, सूख जाती है। आजकल का टाइम ऐसा है कि तुलसी सूख जाती है, ठंडियों में सूखी जाती है सबकी तुलसी। तो मेरी भी सूख गई थी, तो मैंने कल नेगी जी शाम को तुलसी लेके आए थे और अभी मैंने पहले तुलसी लगाई। पहले मैंने नहाई धोई, पूजा की, उसके बाद मैंने बाहर पौधों में पानी डाला, तुलसी लगाई और अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी प्यारी सी तुलसी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना गुलाब का पौधा नेगी जी लेके आए थे, दो गमले लेके आए थे, और जो बड़ा गुलाब था वो मेरा लाया हुआ था, और ये तुलसी लाए हैं कल नेगी जी। पिछली बार मैंने 80 रुपये की ली थी, इस बार 30 रुपये की लाए थे नेगी जी, और मैंने यहीं पे आए थे जो बेचने वाले उनसे ही ली थी। और ये देखिए गेंदा कितने सारे हो रखे। ये मैं माला लाए थे ना, पता नहीं दिवाली के टाइम पे जो माला लाए थे हम, गेट पे लगाई थी, वही माला मैंने यहाँ पे डाल दी थी, तो इतने सारे खिल गए हैं। और ये अंगूर की बेलें प्रॉपर सूख गई थी। ये नेगी जी बोल रहे थे कि इसको ना तोड़ दो, ये रस्सी जैसे लिपट रखी तोड़ दो। मैंने कहा नहीं नहीं रहने दो इसको, ये ना दोबारा जब क्या बोलते हैं सब चीज़ में नए पत्ते आते हैं ना, तो इस पे भी आएंगे। और देखिए कितने सारे नए नए अंकुर खिल गए हैं अंगूर के बेल पे। और ये हमारा ना गेंदा कितना अच्छा हो रखा है। तो ये भी वही वाला है जो क्या बोलते हैं दिवाली के टाइम पे ना मैं गेट पे लगाने के लिए लाई थी। ठंडियों में ना सारे पेड़ पौधे फूल वगैरह जो भी होते हैं ना खराब हो जाते हैं ज़्यादा ठंड के कारण, उनके पत्ते भी खराब हो जाते हैं और फूल वगैरह आना तो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं जब ज़्यादा ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी में। तो फ्रेंड्स अभी क्या है, नए पत्ते आ रखे, सारे फूल अच्छे से हो गए हैं और सब में फूल भी लगने लग गए हैं, तो पूजा के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 9 तारीख से नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रि के लिए हमारी माता रानी के लिए हमारे गार्डन में ही फूल उग जाएंगे। और नेगी जी ना अभी कुछ दिन पहले फूल नहीं हो रहे थे, तो नेगी जी क्या बोलते हैं एक गुलाब का पौधा लाए, 100 रुपये का छोटा सा पौधा लाए और उसमें ना दो गुलाब खिले और उसके बाद खिले ही नहीं। बोल रहे थे कि हाइब्रिड वाला है, इसमें बहुत बहुत सारे गुलाब खिलेंगे, कुछ भी नहीं खिला। इससे अच्छा तो जो मैंने 30 रुपये का गुलाब का पौधा लिया उसमें खिल गए थे बहुत ज़्यादा। तो चलिए कोई बात नहीं, खिल जाएंगे, कलियाँ आ रही है उसमें, तो देखते हैं कितना काम करती है। तो अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए फ्रेंड्स आटा लगा के रख लिया है मैंने रात का, दिन में मैंने बनाए थे दाल और चावल। तो ये देखिए थोड़े से बचे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कल रात को बनाई थी गहत की रोटी और उसी का मसेटा ये थोड़ा सा बचा हुआ है, तो दो रोटी रेसी के लिए अभी भी बन जाएगी इसमें, क्योंकि उसे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ये बचा दिया था। यहाँ पे कर रही हूँ मैं सब्जी बनाने की तैयारी। यहाँ पे प्याज काट दिया है और इसमें आलू और पत्ता गोभी काट रखी है, और इसमें मुझे टमाटर नहीं पसंद, सूखी सब्जी बनाऊंगी। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है रात का और मेरा सर दर्द हो रहा है दिन से बहुत खतरनाक वाला, और काफ़ी टाइम बाद हो रहा है ये सर दर्द। तो मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, फिर नेगी जी का वेट करती हूँ, तब बनाती हूँ रोटी। तो फ्रेंड्स नेगी जी आ चुके हैं, वो रहा नेगी जी का बैग, दोनों छोटू बैग और बड़ू बैग, छोटा बैग और बड़ा बैग, और ये ला रखे हैं वो पैटीज गर्मा गर्म। तो चलिए निकालते हैं इनको और खाते हैं। नेगी जी धो रहे हैं हाथ में, आज उनका कुछ खाने का मन होगा तो बोल रहे थे क्या लेके आऊँ, समोसा पैटीज मोमो। मैंने कहा कुछ नहीं लाना, तो वो
फिर भी पैटीज लेके आ गए। और सर दर्द हो रहा है मेरा हल्का हल्का, और उल्टी आने जैसा हो रहा है। अब देखती हूँ बस ज़्यादा ना बढ़े। ये वाला दर्द मेरे को ना काफ़ी दिन बाद हो रहा है, और बहुत गंदा दर्द होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहे और देखते रहे क्या क्या होता है। थोड़ी देर बाद ब्लॉग का एंड कर दूँगी, क्योंकि लंबा हो जाएगा नहीं तो ये ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सरदर्द होने के कारण दोपहर में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरे को बहुत ख़तरनाक सरदर्द होता है। चक्कर आते, उल्टी आती है, और मेरी जुबान भी लड़खड़ाती होगी, आपने बीच में नोटिस भी किया होगा। और ये ना शाम को पैटीज लाए थे, और इनकी चीज़ देखी कितने अच्छे से फील कर रखी इन्होंने, बाहर तक आ रखी है। और मैं तो मना कर रही थी, लेकिन इनका मन होगा तो फिर मैंने कहा चलिए खाने देते हैं। मैंने भी खाई थी थोड़ी सी, बहुत टेस्टी हो रही थी। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्रेश दिख रही हूँगी आपको। यहाँ पे ना उठ के मैंने नाश्ता बना लिया था, रेसी चला गया था स्कूल, और मेरा रात को सर में दर्द बहुत हो रहा था, तो नेगी जी ने ऑयलिंग करी थी, तो बाल बहुत चिपचिप से लग रहे होंगे आपको। आज मैं हेयर वॉश करूँगी। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि हमारा ना फ्रीजर में बहुत सारा बर्फ़ जमा हो गया था, तो नेगी जी ने डिफ्रॉस्ट कर रखा था, तो बर्फ़ के टुकड़े गिर गए थे नीचे। तो नेगी जी लेके मस्ती कर रहे थे, तो मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं स्किन केयर कर लेती हूँ। तो इस तरह से बर्फ़ के टुकड़े को स्किन पे घिसने से ना स्किन टाइट भी होती है और स्किन ब्राइट भी होती है। तो आप ये कर सकते हो, वीक में एक बार कर सकते हो, मॉर्निंग के टाइम पर कर सकते हो, या आप इवनिंग के टाइम पर भी कर सकते हो, 5 से 10 मिनट। और मैंने ज़्यादा देर घिस दिया था, तो आप देख सकते हैं मेरे गाल लाल हो गए थे, क्योंकि नेगी जी ना बाथरूम में थे, मैं उनका वेट कर रही थी, और वेट करते करते बहुत ज़्यादा ही मैंने घिस दिया मस्ती मस्ती में। तो फ्रेंड्स, बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा भी था, जो जिसकी वजह से पूरे दिन भर मेरे गाल लाल बने रहे और ज़्यादा देर घिसने के कारण। तो आप इतनी देर भी मत घिसिएगा, 4 से 5 मिनट काफ़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ना मैं वैसे स्किन केयर बहुत कम करती हूँ, जैसे लोग क्या बोलते पैक वगैरह बना के लगाते हैं, लेकिन मैं बहुत कम करती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आज कर लेती हूँ, तो ये मेरे को थोड़ा सा भारी पड़ गया था ज़्यादा देर करने की वजह से। और नेगी जी नहा रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से नहा जाओ, फिर मैं भी नहा लेती हूँ। तो वो बाहर आ गए, बस मैं जाने ही वाली हूँ अब नहाने के लिए। तो इस ब्लॉग को भी ना मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, कल फिर से आपको एक नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।